हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 2020 नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। भारत में 34 वर्षों के बाद हुई नई शिक्षा नीति की घोषणा। कहते हैं अगर किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो, सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को ही बदलना पड़ता है, और आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे देश के तमाम स्टूडेंट और उनकी फैमिली को पेरेंट्स के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं तो आपको ये सभी जानकारी ध्यान से सुननी चाहिए। एंड दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पा सकें। एंड दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब तक भारत में स्कूल शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, बट अभी से 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग स्कूल के 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, मतलब इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार कराई जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा शामिल होगी। इसके अकॉर्डिंग बच्चों को खेलकूद और अन्य एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाई कराई जाएगी। इन क्लास के स्टूडेंट के लिए किताबों का वजन जितना पहले होता था वो नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट अब अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे या आप वो अपना एडमिशन लेंगे तो बहुत ही किस्मत वाले होंगे। इसके बाद आती है नेक्स्ट 3 साल, यानी कक्षा 3rd से कक्षा 5th के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कराया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग छात्रों को साइंस, मैथ, आर्ट और हिस्ट्री जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट 3 ईयर मिडिल स्टेज मानी जाएगी। इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट शामिल होंगे। इस स्टेज में निश्चित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आते हैं लास्ट 4 ईयर, जिसमें कि हमारा 9th से 12th तक के स्टूडेंट होंगे, क्लासेस होंगी। इस स्टेज में छात्रों को किसी भी सब्जेक्ट को लेकर गहन समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, अब स्कूल में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। दैट मीन जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ता है वो आर्ट नहीं पढ़ पाता, जो कॉमर्स पढ़ता है वो हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता। तो अब आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पोल बनाया गया है। अगर उस पोल में जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो दोनों हैं तो आप दोनों ही पढ़ सकते हैं। बल्कि अभी तक इस पर पूरे स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन पहले की व्यवस्था में जो 3 स्ट्रीम मानी जाती थी, साइंस, कॉमर्स या आर्ट, दैट मीन ह्यूमैनिटी, अगर आप आर्ट ले लेते हैं तो आप कॉमर्स नहीं पढ़ पाते थे, आप साइंस ले लेते हैं तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते थे, बट आप फिजिक्स भी पढ़ पाएंगे एक साथ, आर्ट्स भी एंड कॉमर्स भी। दूसरी बात ये है, 5th क्लास तक की पढ़ाई अब मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा अपनी राष्ट्रीय भाषा में होगी, यानी इंग्लिश में पढ़ने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। कुछ स्कूल्स वाले होते हैं जो बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, बट अब इसकी अनिवार्यता नहीं है, बच्चों को 5th क्लास तक उसकी स्थानीय भाषा में पढ़ा सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती एंड लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। इंग्लिश केवल एक मात्र सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी, यानी स्कूल में ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाने का दौर समाप्त हो जाएगा। 6th क्लास में पहुंचने के बाद स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग का मौका मिलेगा, कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, यानी इंडिया के स्टूडेंट भी छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। एंड वो इंटेंसिव भी ले सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट को प्रैक्टिकली नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो 6th क्लास के बाद इंटेंसिव कहीं भी कर सकता है। अब बात आती है लास्ट के 4 ईयर, यानी 9th to 12th कि जो एग्ज़ाम होते थे वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होंगे। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे एंड दोनों सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब पूरे
पूरे साल की पढ़ाई, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करते और एग्ज़ाम के लास्ट में पढ़ते हैं, तो अब उन स्टूडेंट को भी पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम को भी ईजी बनाया जाएगा एंड छात्रों की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। रटने की नहीं, समझने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग के जरिए रट्टा लगाने को समाप्त किया जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को अब अपनी मनपसंद लैंग्वेज में लिखने की अनुमति होगी। नेक्स्ट अब रिज़ल्ट की बात करते हैं। रिज़ल्ट में क्या चेंज आया है? रिज़ल्ट जो कॉर्ड होगा वो 360 असेसमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। मार्क्स के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें स्टूडेंट खुद को भी अपने अंक देगा और जो टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो भी मार्क्स देंगे और जो स्टूडेंट के साथ उनके फ्रेंड्स, उनके सहपाठी होते हैं वो भी उनको अंक देंगे। अब बात करते हैं कॉलेज लाइफस्टाइल में क्या शिक्षा नीति ने चेंज किया है। जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट ध्यान से सुन ले। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट रखा गया है, CAT, दैट मीन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे, दैट मीन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12th क्लास में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, वो अच्छे मार्क्स ना लाने के कारण उनके अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो वो CAT टेस्ट को देकर अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को देने के बाद उनके 12th के मार्क्स और उस टेस्ट के मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उनको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी 3 से 4 कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। पहले कॉलेज की पढ़ाई को अगर बीच में छोड़ देते थे तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए या ना ही कीजिए। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब आप पढ़ाई को बीच में छोड़ भी सकते हैं, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने 2 साल के बाद छोड़ दी है तो उसको डिप्लोमा, एंड अगर 3 साल के बाद छोड़ दी है तो बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 साल के बाद कोर्स की बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपके रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ डिग्री दी जाएगी। इससे उन स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 वर्ष के इस कोर्स में स्कूल के छात्र की तरह ही कॉलेज के स्टूडेंट भी अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकेंगे। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को मल्टीपल एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा गया है, यानी जब स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहेंगे तो वे कर सकेंगे, जब वो छोड़ना चाहेंगे तो वो छोड़ सकेंगे, इसलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। इसके अलावा एकेडमी बैंक क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट एक कोर्स के साथ एक साथ दो कोर्स करना चाहता है तो वो अब ऐसा कर सकेगा। कोर्स को आप जहाँ तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वो एकदम डिजिटल है, ऑनलाइन है। इससे आने वाली जनरेशन को बहुत ही प्रॉफिट होगा एंड वो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो एकदम लाइफ डिजिटल हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और उनकी टीम ने ये फैसला लेकर भारत को एक अलग ही शिखर पर पहुंचाने की कोशिश की है। सो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।